नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी बुक्स इन रैक की नई किताब श्रृंखला के पांचवें अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में जो इस अंक में मेरे पास जो किताब है मेरे हाथ में वो है NH24 हादसा दर हादसा, नितिन यादव जी की लिखी हुई। इसे छापा है ऑथर्स प्राइड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड ने। इसका मूल्य है ₹150 और नितिन यादव जी पेशे से पत्रकार हैं। ये एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में संपादक के पद पर कार्यरत हैं। और अगर बात करें पुस्तक की कथा वस्तु की, तो पुस्तक को समझने के लिए कोई एक एंगल ना काफ़ी है, किसी एक जाविये से किताब को नहीं देखा जाना चाहिए। किताब कई प्रश्नों को उठाती है। जैसे अगर किताब की शुरुआत की बात करें, तो किताब एक बहुत ही वाजिब सवाल, और जिस पैमाने पर भारत में बाल यौन शोषण का आंकड़ा है, उस पैमाने पर साहित्य लिखा नहीं गया है। यह बड़े भयावह आंकड़े हैं कि भारत में 53% बच्चों के साथ अमूमन यौन शोषण होता है, जिसमें से कि 52.94% लड़के हैं और 47.06% बच्चियां हैं। और शुरुआत में किताब इसी प्रश्न को उठाती है। यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक उपन्यास का मतलब यह नहीं है कि नितिन यादव जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं, बल्कि जिस पात्र के इर्द गिर्द यह किताब लिखी गई है, वह पात्र अपनी कहानी खुद सुना रहा है, वह अपनी कहानी खुद नैरेट कर रहा है। तो वह किस तरह से एक भैया होते हैं, वह उसे कैसे बुलाते हैं अपने पास, और पहली बार तो वह उनके चूमने को, उनके बाहों में जकड़ने को एक गुड टच गुड वे में लेता है, लेकिन बाद में उनकी जकड़न कसती है तो वह बैड टच को महसूस करता है। और बाल मनोविज्ञान के दृष्टि से भी यह किताब महत्वपूर्ण कि बच्चा उस चीज़ को महसूस कर लेता है, वह उस टच को पहचान जाता है, वह उस स्पर्श की कठोरता का अनुभव कर लेता है, उसमें छुपी जो जहर है उसका अनुभव कर लेता है। किताब यहाँ से शुरू होती है, पहला प्रश्न तो ये उठता है। उसके बाद दूसरा एंगल है, भारत में आस्थाओं का बड़ा संकट है। आस्थाओं के संकट पर जो विद्रूप सच्चाई है उसको उजागर करती है। आस्थाओं का संकट कहने का मतलब कि भारत में बच्चों के सामने कोई आइडियल नहीं है कि किसको देख करके वो सीखे, किसको देख कर सीख सकता है। नेता को देख कर सीख नहीं सकते हम रोज़ उन्हें नंगा होते देखते हैं, बाबाओं को रोज़ नंगा होते देखते हैं हम, और मीडिया इन चीज़ों पर तमाम प्रश्न हैं। तो उसके वह किसी एक पर भरोसा करके, उसको आइडियल मान करके सीखने के लिए बहुत कम लोग अवेलेबल हैं। हालांकि यह संकट हर युग में था और हर देश में है, लेकिन इस वक्त यह संकट कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसे में गलत संगत या लाइक माइंडेड लोगों की संगत पा करके कैसे बहक जाते हैं और अप्राकृतिक गतिविधियां कर बैठते हैं, और खास तौर पर नशा और इन चीज़ों में लिप्त हो जाना, एक तो यह प्रश्न उठाती है पुस्तक। तीसरा एंगल है इसको समझने का कि जो भारत में बच्चे जो हैं वो कैरियर कोई उनका खुद का चुना हुआ नहीं है, उनकी अंदर की अंतः प्रेरणा से जगा कैरियर नहीं है, वह जो कैरियर है वो ऊपर से थोपा गया है, या तो समाज की अपेक्षाओं से, माता पिता की अपेक्षाओं से, या फिर इस उपभोक्तावादी समाज में जो कि केवल सुविधा भोग को ही सफलता मानता है, घड़े से फ्रिज हो जाए, फ्रिज से डबल डोर का फ्रिज हो जाए, यही सफलता के मायने हैं, तो वो कैरियर चुनते हैं और उससे कभी भी बच्चा अपना मन जोड़ नहीं पाता है, किशोर अपना मन जोड़ नहीं पाता है, और उन अपेक्षाओं के बोझ तले घुटता भी रहता है और कभी उनको पूरा भी नहीं कर पाता है। तो एक यह प्रश्न भी किताब उठाती है। और चौथा एंगल जो है वो है सेक्स एजुकेशन का। सेक्स एजुकेशन भारत में, भारत ही क्या, अमूमन आज का समाज युवाओं में, किशोरों में सेक्स को लेकर के एक स्वस्थ संवाद नहीं शुरू कर सका है। आज भी अगर सेक्स वर्ड नाम ले लिया जाता तो हाँ जैसे कोई बड़ी चीज़ कह दी, जबकि हम सभी इसी की उत्पत्ति हैं, यह पूरा संसार इसी का विस्तार है, लेकिन अगर कोई नाम भी ले ले तो उसे चुप करा दिया जाता है। और अगर इस पर बात नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। शुतुरमुर्ग जो है दुश्मनों को देख करके मुंह छुपा लेता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि उसके मुंह छुपा लेने से, उसके आँख चुरा लेने से दुश्मन खत्म हो जाते हैं।
अगर आप सेक्स पर सेक्सुअलिटी पर हम एक स्वच्छ संवाद नहीं शुरू कर रहे हैं और एक किशोर होता बच्चा लगातार उस प्रश्न से जूझ रहा है, उसके अंदर तो सेक्सुअल डिजायर है, तो वो उसको समझने के लिए कहाँ कहाँ भटकता है। यही कह सकते हैं कि हम एक संवाद से एक समंदर एक नदी शुरू कर सकते थे जिससे कि कम से कम उनकी जिज्ञासाएं शांत होती, लेकिन अगर हम नहीं शुरू करते हैं तो वो ब्लू फिल्म में, पत्रिकाओं में, और वही कह सकते हैं कि नाले और पोखरों में अपनी जिज्ञासाएं खोजता फिरता है। तो वह किशोर अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के कितना उद्वेलित है और उसको लेकर के कहाँ कहाँ भटकता है, इस पर यह प्रश्न उठाती है किताब। और पांचवा एंगल जो है वह कम से कम साहित्य में बहुत कम लिखा गया है कि अभी भी भारत का समाज, वाकई यह समस्याएं तो हैं ही, वेश्यावृत्ति की हैं, बलात्कार की हैं, और स्त्री विमर्श इन्हीं के इर्द गिर्द अभी तक केंद्रित है, लेकिन स्त्री की अपनी यौन इच्छा कितनी बलवती है, उसकी अपनी यौन इच्छाएं भी मायने रखती हैं। बलवती शब्द मैंने गलत कह दिया, लेकिन उसकी अपनी यौन इच्छाएं मायने रखती हैं, वह उनके लिए भी प्रयत्न कर सकती है। इसका एक बहुत कम समय के लिए ही बहुत कम कवरेज कह सकते हैं मिला है, पत्रकार हैं तो इनकी भाषा में यही कहा जा सकता है कि कम कवरेज मिला है, लेकिन फिर भी एक जगह कैसे एक 45 वर्ष की लगभग अधेड़ महिला जो पात्र है उसके साथ संबंध बनाना चाहती है और बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, कैसे एक फौजी की पत्नी होती है, दो बच्चों की माँ होती है, और वो अपना नंबर यूं ही उसका वितरित होता रहता है, अननोन नंबर से भी वो बात करती है, तो और अपनी यौन इच्छा के लिए, तो यह एक प्रश्न बड़ा वाजिब भी है और समसामायिक कंटेम्प्रेरी भी है। और जीवन को समझने के लिए हमने किशोर के सामने, एक युवा के सामने कितने कम टूल्स दिए हैं, कितने कम टूल्स दिए हैं, यह किताब उस चीज़ को रखती है। यह किताब समझाती है कि नायकत्व का, लीडरशिप का कितना क्राइसिस है। इस किताब में कोई नायक नहीं है, जो पात्र है नायक नहीं है, नायकत्व की खोज करता है, लीडरशिप को खोज रहा है। और मैंने कहा कि जीवन को समझने कितने टूल्स दिए हैं, तो अंतिम पृष्ठों में, मैं डिस्क्लेमर, मैं सस्पेंस नहीं खत्म करना चाहता किताब का, अंतिम पृष्ठों में वह इस लाचारी को महसूस करता है कि जीवन में भी और क्या क्या करना था, कैसे समझना था, और जीवन इस वक्त समझ में आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैं लास्ट सेंटेंस बोल गया, लेकिन यह सब आप किताब पढ़कर ही जाने तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि आप कोई, जैसे आप रियलिस्टिक फिल्म देखते हैं जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो, तो अगर आप ज्यों का त्यों, जस का तस भाषा में, जो जैसा समाज है, अगर उस भाषा में कोई किताब खोज रहे हैं, कोई रियलिस्टिक किताब खोज रहे हैं, कोई रियलिस्टिक बुक पढ़ना चाह रहे हैं ज्यों का त्यों, जिसमें कोई नायक नहीं है, तो आप इस किताब को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।